अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यकीनन आप इस बात का वेट करते होंगे कि अभी इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर लेगा और हम इजीली अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को अपडेट करूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप लोगों की रिजल्ट के इस वक्त क्या पोजिशन है, आप लोगों का रिजल्ट तैयार है या नहीं है। एमएड, एमए, एमएससी, एडी, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या इसके अलावा जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो कब तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करके अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लेगी, आज की वीडियो में कंप्लीट आप लोगों को गाइड करूंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए ट्रू एंड करेक्ट न्यूज लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बिल नोटिफिकेशन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपके इलम में है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पिछले दिनों बीएड का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, लेकिन उसमें टेक्निकली फॉल्ट था। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आगी पोर्टल है, वो इस वक्त टेक्निकली फॉल्ट का शिकार है। वो अटेंडेंस को काउंट नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने वर्कशॉप को अटेंड किया था, 100% अटेंड किया था, 70%, 80%, 90% वर्कशॉप्स को अटेंड किया था, उसके बावजूद उनकी वर्कशॉप R/W यानी रीअपियर में आ गए थे। तो इस फॉल्ट को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस वक्त कवर कर रहे हैं कि हम इस फॉल्ट को ठीक करें। अभी तक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का अमला इस फॉल्ट को ठीक नहीं कर सका। जो ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टाफ इसको रिकवर करेगा तो वो बीएड का अपडेटेड रिजल्ट भी अपने वेबसाइट पे शो कर लेगा। जिस और आप लोगों की रिजल्ट की क्या पोजीशन है, एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला था। तो फ्रेंड्स, जब तक ये फॉल्ट रिकवर नहीं होता तो आप लोगों की रिजल्ट इस वजह से लेट है। आप लोगों का रिजल्ट आज के दिन तक आने थे, आज के दिन तक यानी 15 मार्च 2021 को आप लोगों के रिजल्ट डिक्लेयर होकर वेबसाइट पे अपलोड भी होने थे, लेकिन इस फॉल्ट की वजह से आप लोगों के रिजल्ट्स इल्तवा का शिकार हो गए। जो ही मुझे इंफॉर्मेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आएगी तो मैं फौरन आप लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और रिजल्ट्स की अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।